नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीसी 7। सूत्रों के हवाले से आ रही है नई रिपोर्ट। हिसार से 30 मुसलमान परिवारों ने हिंदू धर्म को अपनाया। हिसार के उकलाना मंडी में हिंदू रीति रिवाज से जीवन यापन कर रहे गांव मिठमड़ा में रहने वाले 30 मुसलमान परिवारों ने, जो टोटल लगभग सदस्यों की संख्या 240 बताई जा रही है, जो शुक्रवार को हिंदू धर्म में वापसी कर ली है। जो डूम जाति के समाज से ताल्लुकात रखने वाले 30 परिवारों के मुखिया ने कहा कि हम पहले हमारे पूजरग औरंगजेब के समय में हिंदू थे, परंतु जिन्होंने दबाव में लेकर करके मुसलमान धर्म को अपनाना पड़ा, लेकिन आज हम बिना किसी दबाव से हिंदू धर्म में वापसी करना चाहते हैं और की है। बता दें कि शुक्रवार को सतवीर सिंह ने अपने माता फूला देवी का अंतिम संस्कार मिठमड़ा के स्वर्गवास आश्रम में हिंदू रीति रिवाज से किया और मीडिया को बताया कि इसमें पहले हमारे परिवार में कोई सदस्य मर जाता था तो उसे दफनाते थे या मिट्टी देते, लेकिन आज हम अपने स्व इच्छा से हिंदू रीति रिवाज से के द्वारा अंतिम संस्कार किया और हमने सब ने हिंदू धर्म में आकर करके अपने घर में वापसी आने यानी के बारे में सोचा है, जो हमें बहुत अच्छा लगा। जिस प्रकार से जो हम डूम जाति से ताल्लुकात रखते हैं, जो डूम जाति से हैं और हमारा काम गाना बजाने का काम कर कर के हम अपना गुजारा करते हैं, हमारे परिवार से बुजुर्गों जहां आज़ादी से पहले ही दनोदा गांव में रहते थे और उसके बाद में गांव मिठमड़ा में आकर के बस गए थे, तब से लेकर के आज तक हमारे 30 परिवार इस गांव में गुजर बसर कर रहे हैं, जिनमें सदस्यों की संख्या इस प्रकार दी जा रही है, जिनकी सूची इस प्रकार है, जिसमें बताया गया है कि दानाराम, राहमीर, बिंदर, बलवान, राजेश, सज्जन, मंजीत, राकेश, द्रमवीर, रोशन सहित इस्लाम को छोड़ करके हिंदू धर्म को अपनाया। वही अंतिम संस्कार में शामिल हुए गांव के युवा सतीश जी ने बताया कि डोम के परिवार के सदस्यों ने बिना किसी दबाव हो और अपने इच्छा से हिंदू धर्म में वापसी की है। पूरे गांव ने इनके इन फैसले का सम्मान किया है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।